नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका अपना अमर भारद्वाज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2023 लेटेस्ट मॉडल TVS Raider 125 का ब्लैक पैंथर एडिशन मॉडल आज अपने सामने खड़ा है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस बाइक की 2023 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, इस बाइक का माइलेज फीचर्स एंड टॉप स्पीड के बारे में। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की। तो 119,500 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बाइक की से। तो इस बाइक के अंदर आपको वेव वाइप की देखने को मिलती है। चलिए करते हैं इस बाइक के इग्निशन को ऑन और देखते हैं फ्रंट में आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं तो फ्रंट में आपको जो DRL लाइट देखने को मिलती है, सबसे पहले लाइट है ऑन हो जाती है। जैसे ही आप इस बाइक के इंजन को स्टार्ट करोगे तो इस बाइक की जो फ्रंट LED हेडलाइट है ऑन हो जाएगी। तो चलिए करते हैं बाइक के इंजन को स्टार्ट। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। इसके ऊपर की तरफ आपको TVS का लोगो देखने को मिलता है जो कि आपको 3D क्रोम में मिलने वाला है। इस बाइक के ब्रेक एंड लीवर ये भी आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में देखने को मिल जाएंगे। अब बात लेते हैं इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के। तो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके के। इस बाइक के फेंडर के ऊपर आपको न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी टोटली इस बाइक के अंदर ग्राफिक्स चेंज हुआ है। इसके फ्रंट में आपको 240mm की डिस्क मिल जाएगी। सिंगल पिस्टन कैलिपर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अलॉय के ऊपर भी आपको स्टिकर देखने को मिलेंगे। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूं तो 80x17 के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। साइड प्रोफाइल में आपको इस बाइक के टैंक के ऊपर आपको TVS का हॉर्स देखने को मिलने वाला है कुछ इस तरीके के। साइड में आपको एवेंजर की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके की जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाली है। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाएगी। सुपर स्कोर्ट एडिशन की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है स्टिकर के फॉर्म में। इस बाइक के टैंक के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्टिकर देखने को मिलेगा। एंड इस बाइक के अंदर आपको E20 का अपडेट मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर आपको काफी अच्छा फीचर्स देखने को मिलेगा। तो चार्जिंग पॉइंट का सॉकेट आपको इस बाइक के टैंक के ऊपर मिलने वाला है। तो काफी अच्छे फीचर्स के साथ में आपको 2023 में बाइक देखने को मिल जाएगी। अब बात लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 124.8 cc का एयर प्लस ऑयल कूल इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगा जो 11.2 bhp की पावर जनरेट करेगा। 11.2 NM का टॉर्क जनरेट करेगा। 5 गियर्स के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाएगी। इस बाइक के माइलेज की बात करूं तो ये बाइक को 50 से 55 का माइलेज निकाल कर दे देगा। इस बाइक के इंजन काउल के ऊपर आपको कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। बाइक के ऊपर आपको 66 का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। इस बाइक की साइड प्रोफाइल की बात करूं तो साइड में आपको रेडर की ब्रांडिंग मिलेगी जो कि आपको 3D क्रोम में मिलने वाली है कुछ इस तरीके की। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूं तो 780mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाएगी। पिलियन एंड राइडर के लिए काफी कंफर्टेबल सीट आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी हाइट 5'6" या 5'7" तो भी आप इस बाइक को इजीली राइड कर सकते हो। आपको इस बाइक को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। साइड में आपको पैंथर का स्टिकर देखने को मिलेगा। बकांडा फॉरएवर का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इसके रियर में आपको प्लेन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के एल्युमिनियम फिनिशिंग के साथ में। साइलेंस के ऊपर भी आपको क्रोम का वर्क देखने को मिल जाएगा जो कि आपको स्टील बैटल बॉडी पार्ट के साथ में मिलने वाला है। इसके रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे। 130mm के ड्रम ब्रेक आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। इस बाइक के रियर में टायर सेक्शन की बात करूं तो 119/70 के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिलेंगे। अब मैं एक बार आपको इस बाइक की बैक प्रोफाइल पर लेकर चलता हूं। तो इसके रियर में आपको ग्लॉसी ग्रेविरल देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके के। LED टेललाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। सीट वगैरह ओपन आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको TVS की ब्रांडिंग है। नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो एक बार मैं आपको इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूं। तो इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। RPM ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। न्यूट्रल लाइट, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, चेक इंजन लाइट जैसे फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिलेंगे। साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, ट्रिप एंड ट्रिप डिस्टेंस टू एम्प्टी, रियल टाइम माइलेज, लो बैटरी वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, चेक इंजन लाइट जैसे फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिलेंगे। डिजिटल क्लॉक आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगी। इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूं तो 100 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाएगी। तो साइड में आपको इस बाइक के अंदर एक बटन मिल जाएगा पावर मोड एंड इको मोड का। अगर आप इस बाइक को पावर मोड में चलाओगे तो बाइक आपको काफी अच्छा पिकअप निकाल कर देगी। अगर आप इस बाइक को इको मोड में चलाओगे तो इस बाइक का माइलेज काफी अच्छा निकल कर आने वाला है। साइड में आपको इस बाइक के अंदर सिंगल हॉर्न सुनने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। इस बाइक के अंदर आपको साइलेंट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए करते हैं बाइक इंजन को स्टार्ट। तो कुछ इस तरीके का स्पोर्टी एग्जॉस्ट साउंड आपको इस बाइक का सुनने को मिल जाएगा। तो ये था 2023 लेटेस्ट मॉडल TVS Raider 125 के एक स्मॉल से रिव्यू। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बाइक के लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहे।